नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है फिल्मी चकल्लस में। आज आपके लिए एक और जो है खबर मैं लीक से हट कर लेकर आया हूँ, बट ये खबर भी जो है बॉलीवुड की है। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज से 30 साल पहले एक जो है मूवी रिलीज़ हुई थी, और उस मूवी के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट पहले मैं उसकी एक मूवी की खासियत बता दूँ। वो जो मूवी थी वो सुपर हिट थी, और उस मूवी के अंदर जो गाने थे वो भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट थे। बट एक गाना जो ऐसा था जिसकी एक अलग ही खासियत थी, शायद आप लोग जानते भी होंगे, बट मैं आपको ये बताने जाता हूँ कि उस गाने की सबसे ज़्यादा खासियत ये थी कि वो गाना उस टाइम पे भी बहुत सुपर हिट था, और आज के मौजूदा टाइम में भी वो गाना जो है बहुत ज़्यादा सुपर हिट है। लोग उसको सुनते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। इस गाने को म्यूज़िक दिया था जतिन ललित ने, और इस गाने के गायक थे उदित नारायण और गायिका थी साधना सरगम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस गाने की खासियत ये थी कि वो गाना बहुत ही ज़्यादा स्लो था, इतना ज़्यादा स्लो था कि शायद वो दुनिया का एक ऐसा गाना है जो सबसे ज़्यादा स्लो है। बट जब आप उस गाने को सुनेंगे तो आपको कहीं से भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो गाना जो है इतना स्लो है, लेकिन जब आप उस गाने को देखेंगे और सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये गाना वाकई में बहुत ज़्यादा स्लो है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये गाना दुनिया का पहला ऐसा गाना है जो कि स्लो मोशन में फिल्माया गया था, यानी कि उस गाने को जो है स्लो मोशन में एडिट किया गया था, और वो गाना है पहला नशा। और ये फिल्म जो जीता वही सिकंदर का गाना है जिसे कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर थे मंसूर खान, और इस फिल्म के लीड रोल में थे आमिर खान और आयशा जुल्का। और ये फिल्म जो है 1992 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और आज भी ये लोगों को पसंद है, याद है। और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और खबर के लिए, किसी और फिल्म के रिव्यू प्रीव्यू के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, थैंक यू।